Assalamu alaikum friends. Today we will discuss important and significant straits of the world. Straits ko Urdu mein aabnaye kehte hain. Inke baare mein aaj hum study karte hain. As an aspirant of competitive examination, you are advised to have two maps on the northern wall of your bedroom or the room in which you are living. Kamre ki jo shumali diwar hai, uske upar aapne dunya ka jo map hai aur Pakistan ka map, dono laga dene hai. Aur inko aapne har time refer karna hai to understand international relations, dunya ke jo physical features hai aur jo political boundaries hai. वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैप से समझ आएंगी, आपको किताब से शायद उस तरीके से विदाउट मैप समझ ना आए जितना बेहतरीन एजुकेशन या कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको इन मैप्स के साथ आएगी. लिहाजा ये दो मैप्स, मैप्स ऑफ द वर्ल्ड और मैप ऑफ पाकिस्तान, ये आप ज़रूर एज एन एस्पायरेंट ऑफ कंपेरेटिव एग्जामिनेशन लाइक CS एंड PMS, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दीज टू मैप्स. और इसके लिए आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं. तो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है ये जनरल नॉलेज से रिलेट करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. और जनरल नॉलेज जो है वो PMS का भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ग्वादर पोर्ट के बारे में पढ़ा और हमने ग्वादर पोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी थी टू दी हॉर्मेज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज, उसके बारे में स्टडी किया. तो वहाँ से बात स्ट्रेट की तरफ आई और अब मैंने सोचा है कि हम स्ट्रेट के ऊपर एक लेक्चर करेंगे, दुनिया की कितनी स्ट्रेट्स हैं. इससे अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज और स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में भी सेपरेट वीडियोज बनाएंगे. तो स्ट्रेट क्या है? इट इज़ ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज आर टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, लार्ज वाटर बॉडीज, उसको दो मिलाने के लिए जो पानी की स्ट्रिप होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं. द टर्म स्ट्रेट इज टिपिकली रिजर्व फॉर मच लार्जर वाइडर फीचर ऑफ द मैराइन एनवायरनमेंट. छोटी छोटी जो गुजरगाहें हैं पानी की उनको स्ट्रेट नहीं कहा जा सकता, उनको हम कैनाल कह सकते हैं या उनका कोई और नाम हो सकता है. स्ट्रेट का जो टर्म है ये बहुत बड़ी गुजरगाह के लिए आमतौर पे वक्फ की जाती है. तो आमतौर पे इसमें ये भी आपने ख्याल रखना है कि कुछ स्ट्रेट्स जो हैं उनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका, और कुछ को ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके साथ जो स्ट्रेट है वो बाद में लगता है, बैरिंग स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट ऑफ बैरिंग नहीं कहेंगे. तो जो जबान ज़दे आम है वो जो टर्म है उसी तरीके से आपने यूज करना है. दुनिया के अंदर जो स्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, दर्जनों स्ट्रेट्स हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स की बात इस लेक्चर में करेंगे. मसलन बाबल मंदेब है, बाली स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, बास्फोरस है, कुक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ईस्टर्न चैनल, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ जोहोर, कर्च स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट, माल्टा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ मैसिना, पालक स्ट्रेट, पनामा कनाल, पर्स कनाल, इनको हम कनाल भी बोल सकते हैं. लेकिन ये जो टर्म जिसके लिए जिस तरीके से मखसूस की गई है हम उसी के मुताबिक जो यूज़ करने के बाउंड हैं. स्ट्रेट ऑफ सिसली, सिंगापुर स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, कोशिश करें कि आप इनको ऐसे ही यूज़ करें अपने लिखते हुए. स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहने की बजाय इसको ताइवान स्ट्रेट ही बोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ तेरान ये आखिरी स्ट्रेट है. अब हम कुछ इनमें से भी कुछ स्ट्रेट्स का हम मैप के साथ जायजा लेते हैं. आप देख रहे हैं रेड सी, रेड सी ऊपर मिलता है जो बहरूम है मेडिटेरेनियन सी से, और उसमें आप देखते हैं कि स्वेज कनाल के जरिए ये टच करता है. नीचे जो है रेड सी गल्फ ऑफ एडन से मिलता है बाब अल मंदेब के जरिए. बाब अल मंदेब जो है वो यमन और अफ्रीका के साथ
बिल्कुल, ये छोटी सी गुजरगाह है पानी की, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी से मिलाती है, इसको बाबल मंदेब कहते हैं। चूंकि ये अरेबियन कंट्रीज हैं, तो ये एक अरबी जबान का लफ्ज है, उसी की बुनियाद पे इस स्ट्रेट को बाबल मंदेब कहते हैं। उसके ऊपर आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ की जो गुजरगाह है यूएई के साथ और ऊपर ईरान के साथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और यही वो स्ट्रेट है जिसके बारे में हम लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। और ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ये चूंकि बहुत करीब है गवादर पोर्ट के, लिहाजा गवादर पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट की वजह से काफी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बैस स्ट्रेट। ये एक तरफ इसके जो ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, नीचे तस्मानिया है। और इसके बास स्ट्रेट के बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे इंडियन ओशन है, और इसकी राइट साइड पे तस्मान सी है, या इसको पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है, तस्मान सी बोलते हैं वो है। बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशन को मिलाती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के साथ। छोटे मोटे इसमें सीज हैं, बैरिंग सी भी नीचे है। तो ये अलास्का और रशिया के दरमियान है, ऊपर इसकी आर्कटिक ओशन है, नीचे इसके नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो ये एक गुजरगाह है पानी की। कुक स्ट्रेट, इट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। इट कनेक्ट्स द तस्मान सी ऑन द नॉर्थ वेस्ट विद द साउथ पैसिफिक ओशन ऑन द साउथ ईस्ट। ये देख सकते हैं आप पैसिफिक ओशन है इसके एक साइड पे, दूसरी साइड पे तस्मान सी है, और दोनों जो आइलैंड हैं उनके दरमियान आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के दो जजीरों को जुदा करती है, दरमियान में वाटर बॉडी दो पानी की बॉडीज के आपस में मिलाती है, यानी पैसिफिक ओशन और तस्मान सी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल। स्ट्रेट ऑफ डोवर आप देख सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है, एक तरफ इसके नॉर्थ सी है और दूसरी तरफ इसके इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल बेसिकली पार्ट है अटलांटिक ओशन का, और ये पार्ट जब इतना करीब आता है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान आ जाता है, तो इसको फिर हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये भी एक स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ सी या स्ट्रेट ऑफ डोवर और अटलांटिक ओशन के दरमियान है। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के दरमियान है, आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। कोरिया स्ट्रेट, कोरिया और जापान के दरमियान कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जिनको सुशीमा आइलैंड बोलते हैं। सुशीमा आइलैंड्स के जो राइट साइड पे स्ट्रेट है इसको सुशीमा स्ट्रेट बोलते हैं, और सुशीमा स्ट्रेट के जो लेफ्ट साइड पे है इनको बोलते हैं वेस्टर्न चैनल। वेस्टर्न चैनल और सुशीमा स्ट्रेट को ईस्टर्न चैनल भी बोला जाता है। ईस्टर्न चैनल और वेस्टर्न चैनल दोनों मिला के इसको हम बोलते हैं कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट कोरिया और जापान के दरमियान है, ये सियाफ जापान को नीचे ईस्ट चाइना सी से मिलाती है, ऊपर इसकी येलो सी है, येलो सी ईस्ट चाइना सी को मिलाती है सियाफ जापान के साथ, इसको हम ओवरऑल कहेंगे कोरिया स्ट्रेट। लेकिन इस स्ट्रेट के दो पार्ट्स हैं, सुशीमा स्ट्रेट के ईस्टर्न साइड पे इसको सुशीमा स्ट्रेट बोलते हैं या इसको ईस्टर्न चैनल बोलते हैं, और सुशीमा आइलैंड्स के वेस्टर्न साइड पे इस स्ट्रेट का पार्ट को वेस्टर्न चैनल बोलते हैं। यह है ताइवान या फार्मोसा स्ट्रेट, ये ताइवान और चाइना के दरमियान है, इसको फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नीचे अफ्रीका है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर यूरोप है, पुर्तगाल और स्पेन की कंट्रीज आ जाते हैं, और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान
जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर आपको नीली नजर आ रही है बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इसको हमने देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर्शियन गल्फ के बिल्कुल माउथ पे है और ये मिलाती है पर्शियन गल्फ को आगे अरेबियन सी के साथ, यानी इंडियन ओशन के साथ। अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है। कर्च स्ट्रेट, ये स्ट्रेट क्रीमिया और रशिया के दरमियान है और सी ऑफ ओजो और ब्लैक सी को आपस में मिलाती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, ऊपर जो है वो मलेशिया है और नीचे इंडोनेशिया है। हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात करते हैं, गादर पोर्ट की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं और ये फैक्ट है कि चाइना का जो ट्रेडिशनल रूट है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के जरिए है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और फिर उसके बाद इंडियन ओशन और फिर वहां से स्ट्रेट ऑफ मलाका और फिर ऊपर जाता है। चाइना इस रूट को बाईपास करना चाहता है और चाहना चाहता है कि वो अंदर ही अंदर से, यानी जमीनी रास्ते से, गादर पोर्ट से सीधा पाकिस्तान के अंदर जो दो रूट बनाए हैं, वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट है, उसके जरिए से वो काशगार तक, यानी अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस तक रूट्स को ले जाए। तो बेसिकली इस रूट को चाइना बाईपास करना चाह रहा है, जिसकी रीजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तीन स्टेट्स के बारे में, स्टेट ऑफ मेसिना, माल्टा चैनल और स्टेट ऑफ सिसिली। अब जो स्ट्रेट ऑफ मेसिना है, आप देख रहे हैं ऊपर आपको नजर आ रहा होगा टेरेनियन सी है और नीचे अरेनियन सी है। ये जो सिसिली और इटली के दरमियान एक बारीक सी गुजरगाह है पानी की, बिटवीन आयोनियन सी एंड टेरेनियन सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसिना। अब नीचे आ जाएं सिसिली से नीचे, इसको बोलते हैं माल्टा चैनल। ये माल्टा जजीरे और सिसिली के दरमियान ये एक चैनल है, स्ट्रेट है, इसको माल्टा चैनल बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ सिसिली जो है ये एक तरफ इसके ट्यूनिसिया है और दूसरी तरफ सिसिली है और उसके दरमियान में जो पानी की गुजरगाह है ये कहलाती है स्ट्रेट ऑफ सिसिली। बेसिकली ये जो तमाम सीज हैं, दीज आर ऑल दी पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ये तीन स्ट्रेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं पाई जाती हैं। इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, जितना आप मैप को समझेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आती जाएगी। पाल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जो है बिटवीन श्रीलंका और इंडिया के दरमियान है। आप देख सकते हैं पानी की एक बारीक गुजरगाह है, क्योंकि अगर आपने इंडिया से श्रीलंका जाना हो तो श्रीलंका इज इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड, तो दरमियान में पानी आता है, स्ट्रेट आती है, इसको पाल स्ट्रेट कहते हैं। और ये इसकी श्रीलंका की राइट साइड पे बे ऑफ बंगाल है और इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो इंडियन ओशन है, तो ये इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल के साथ मिलाती है। पनामा कनाल, इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और ये मिलाती किस किस को है, पनामा के अंदर ये वाकया है और ये मिलाती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। सिंगापुर स्ट्रेट, इट इज लोकेटेड बिटवीन मलेशिया एंड रियो रॉया आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, इनके दरमियान जो पानी की गुजरगाह है इसको सिंगापुर स्ट्रेट बोलते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट वर्सेस कैनाल। आमतौर पे वो चैनल जो कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैनाल्स, जैसा कि स्वेज कैनाल, ये 1869 में बनाई गई थी, इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, 169 किलोमीटर है। लेकिन कुछ जगहों पे एक्सेप्शन है कि हर
आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट या कैनाल को हम कैनाल नहीं कहते बल्कि कुछ नेचुरल भी हो सकती हैं, जैसा कि पर्स कैनाल है मिसाल के तौर पे, जो कि नेचुरल है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट वर्सेस एस्थमस। एस्थमस जो है, इट इज ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज अक्रॉस एन एक्सपेंस ऑफ वाटर बाई विच दे आर अदरवाइज सेपरेटेड। ये स्ट्रेट का काउंटर पार्ट है और ये समंदर के अंदर दो बड़ी जजीरों को या लैंड मैसेज को एक नैरो स्ट्रिप, जो जमीनी रास्ता है उसके जरिए जो मिलाता है, उस नैरो लैंड पीस को या लैंड स्ट्रिप को हम जो है वो कहेंगे एस्थमस। अब हम बात करते हैं कि इन स्ट्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने देखा कि इनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये सी रूट फॉर ट्रेड जो यूज होता है उसके लिए, ये रास्ते को शॉर्ट करती हैं, डिस्टेंस शॉर्ट होता है, टाइम शॉर्ट लगता है। फिर इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है कि जिस मुल्क के ये टेरिटोरियल वाटर में फॉल करती हैं उस मुल्क की मोनोपली होती है, और वो मुल्क इससे बहुत ज्यादा जो है उसकी एक कंट्रोल होता है। जिस मुल्क का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल होता है वो मुल्क उस स्ट्रेट को ब्लॉक करके दूसरों के लिए बहुत ज्यादा नॉइसेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसकी एक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसकी इस लिहाज से है कि बहुत सारी जंगें जो हैं इनकी कंट्रोल के लिए लड़ी गई हैं। तो स्ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।